दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय पगार खाता। डाउनलोड द ऐप नाउ। मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सुपर स्प्रेडर, ऐसी शब्दावली से पिछले साल की फरवरी तक हम रूबरू नहीं थे। मार्च से हमारे यहाँ कोरोना फैलने लगा और ये लॉकडाउन और मास्क से लेकर कई नए शब्द हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गए। कोरोना और लॉकडाउन में हमने अस्पताल में तड़प तड़प कर लोगों को मरते देखा, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जाते मजदूरों को देखा, भूख से बिलबिलाते लोगों को देखा, नौकरियां जाते देखी। साल के आखिर तक हालात ठीक हुए, नए बरस में वैक्सीन मिली तो लगा कि अब कोरोना का दौर पीछे छूट चुका है, लेकिन एक बार फिर देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन फिर से कुछ जगहों पर लगाया जा रहा है, तो क्या देश में कोरोना की नई वेव शुरू हो गई है? क्या पिछले साल के फरवरी मार्च में जैसे हालात थे वैसे हालात फिर से पैदा हो रहे हैं, या अब वैक्सीन आ गई है तो उम्मीद मजबूत है? इस पर आज के शो में विस्तार से बात करेंगे। गलवान में 5 सैनिकों की मौत के बाद चीन ने अब क्या कहा और कैसे ये मौत कबूली, इसके मायने क्या हैं, कितना सत्य कितना झूठ, इस पर भी बात करेंगे। टूलकिट मामले में दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट लीक होने पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये भी बताएंगे, क्योंकि ये भविष्य के लिए एक बड़ा प्रेसिडेंस हो सकता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। कश्मीर में किसी आतंकवादी को सिविलियन बनकर आतंकवादी हमला करने में कितनी देर लगती है, 6 सेकंड के इस वीडियो से पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगा। ये आज सुबह का श्रीनगर का वीडियो है। शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली सड़क पर बारजुला इलाके में एक दुकान पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। फिर एक लड़के की एंट्री होती है जो बिल्कुल किसी आम नागरिक की तरह दिखता है। लड़के ने फिरन पहन रखा है, फिरन ढीली ढाली पारंपरिक पोशाक है। फिरन की बाहों से हाथ निकालकर अक्सर कश्मीर में लोग फिरन के अंदर कांगड़ी लेकर चलते हैं। कांगड़ी यानी शरीर को गर्म रखने के लिए एक बर्तन में कुछ सुलगते हुए कोयले। इसलिए अगर फिरन के अंदर हथियार भी छिपा रखा हो तो किसी को शक नहीं होता। यही इस हमले में हुआ होगा। जब तक लड़के ने हाथ फिरन के अंदर रखे हैं ये एक सिविलियन लगता है, हथियार बाहर करते ही आतंकवादी बन जाता है, पुलिस वालों की पीठ पर गोलियां दागता है और फिर भाग जाता है। मुमकिन है कि फिरन में हथियार छिपाकर ये फिर से सिविलियन बनकर आराम से निकल गया हो। हमले में दोनों पुलिस वालों की मौत हो गई। ये हमला आतंकवादी तंजीम TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था। हमलावर की पहचान भी हो गई, इसका नाम साकिब मंजूर है और ये हमले वाली जगह के पास ही बाघाट इलाके का रहने वाला है। इस आतंकवादी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के अलावा सेंट्रल कश्मीर के ही बडगाम जिले में भी आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक SPO की मौत हुई। कश्मीर में एक ही दिन में 3 पुलिस वालों की कश्मीर के ही आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये पुलिस वाले किसी के पिता रहे होंगे, किसी के बेटे, किसी के भाई, कई परिवारों में मातम होगा। इस मातम के लिए आतंकी संगठनों के अलावा वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों की हिमायत में खड़े होते हैं, कश्मीर के आतंक को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों को कोई मुजाहिद कहता है, कोई हमदर्दी रखता है। इस तरह से सड़क पर खड़े किसी निर्दोष की पीठ में गोली मारकर हत्या करना ये एक घृणित अपराध है और किसी तर्क से इसे सही साबित नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, भारत और चीन के बीच लद्दाख के पेंगोंग सो इलाके में डिसएंगेजमेंट चल रहा है, यानी दोनों सेनाएं एक तय समझौते के तहत पीछे हट रही हैं ताकि तनाव कम हो। 20 फरवरी को दोनों सेनाओं के बीच मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वीं बैठक भी होनी है। इस बीच चीन ने पहली बार 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष में अपने सैनिकों के मारे जाने पर ठोस जानकारी दी। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों ने बलिदान दिया था। चीन अब तक ये कहता आया कि वो अपनी तरफ हुए नुकसान के बारे में इसलिए जानकारी नहीं दे रहा क्योंकि वो तनाव कम करना चाहता है। ये तर्क तब भी अटपटा था और आज भी है। खैर, 19 फरवरी को चीन ने कहा कि इस संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने 2 अधिकारियों और 3 जवानों को सम्मानित किया, जिसमें से 4 सम्मान मरणोपरांत दिए गए। चीन की तरफ से बटालियन कमांडर चेन होंगजुन को मरणोपरांत बॉर्डर डिफेंडिंग हीरो यानी सीमा के रखवाले की उपाधि दी गई। इसी तरह के 4 और सम्मान हैं।
ये जानकारी द पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली के हवाले से आई। ये चीन की सेना का अखबार है। ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि गलवान में चीन के सैनिक भी मारे गए। अखबार ये भी दावा करता है कि 3 सैनिक संघर्ष में मारे गए, 2 की जान तब गई जब वो बर्फीली नदी पार करके अपने साथियों की मदद करने जा रहे थे। इसका मतलब संघर्ष के वक्त भारत की ही तरह चीन की तरफ से भी अतिरिक्त सैनिक लड़ाई के लिए पहुंचे थे। चीन ने अभी भी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। भारत में रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन अभी भी अपने हताहतों की असली संख्या छिपा रहा है, यानी चीन अपने देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को ही पीठ दिखा रहा है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान ने किया था। संख्या चाहे जो रही हो, सैनिकों को उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। दूसरी सुर्खी यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव में खेत में मृत मिली दोनों लड़कियों का आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि तीसरी बच्ची अभी भी कानपुर के अस्पताल में भर्ती है। मृत लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह किसी जहरीले पदार्थ को बताया गया। ये पदार्थ क्या था अभी स्पष्ट नहीं है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है। पुलिस की 6 टीमें मामले की जांच के लिए लगाई गई हैं। इस घटनाक्रम के परिपेक्ष में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से नाम एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू के का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है, उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था, वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा, लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहे। तीसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले को लेकर है। टूलकिट मामले पर मीडिया कवरेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता दिशा रवि ने मांग की थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ साझा न किए जाएं। याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर एकतरफा रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से सही जानकारी पहुंचाने की बात कही ताकि ट्रायल प्रभावित न हो। कोर्ट ने कहा कि सूचनाओं का प्रसार करते समय उचित संपादकीय नियंत्रण का उपयोग सुनिश्चित करें ताकि जांच प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के आरोपों से इनकार करते हुए कोर्ट को बताया उनकी ओर से कोई लीकेज नहीं हुआ। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। दिशा रवि के मामले में एक और अपडेट है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चौथी सुर्खी बंगाल से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आतंक फैला रहे हैं उनमें भी हाईली स्किल वाले लोग हैं। ऐसे में हमें यह तय करना है कि हम समस्या बनना चाहते हैं या फिर समाधान करना चाहते हैं। आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब देर, कौन एक अख्यात दिवसे नाही जानी आजी। मराठार कौन सोयले एरंडेर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने कहा कि आज 3 टीमें साइकिल यात्रा पर रवाना हो रही हैं। इनका नाम सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और खुद ही राम बोस के नाम पर रखा गया है। ये साइकिल टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को प्रसारित करेंगी। अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम को कई कार्यक्रमों के क्रम में देखा जाना चाहिए जिन्हें नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को ड्रामा बताया। 18 फरवरी को 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब अम्फान चक्रवात के कारण यहां लोग संकट में थे तब केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अम्फान के बाद प्रधानमंत्री आए, ड्रामा किया और 1 करोड़ रुपए एडवांस देकर चले गए। अब हर रोज बंगाल आ रहे हैं और झूठ बोलकर जाते हैं। कहते हैं कि हम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होने देते। मैं चैलेंज करती हूं वो एक सरस्वती मंत्र पढ़कर सुना दें। ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में बात इस वीडियो से शुरू करते हैं। ये दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रैली का वीडियो है। एमसीडी उपचुनावों का प्रचार चल रहा है, भीड़ आप देख रहे हैं। ये दूसरा वीडियो बंगाल का है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली। उदाहरण और भी हो सकते हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं और रैलियों के रोज ऐसे ही वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो दिखाने का तात्पर्य बस इतना है कि कोरोना को लेकर अब न जनता में डर है, न सरकार मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम को लेकर गंभीर है। हम सब ही ये बात मान रहे हैं कि अब हम कोरोना से एग्जिट वाली फेज में हैं। यूपी ने पिछले हफ्ते कोरोना और लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर दर्ज 3 लाख से ज़्यादा केस भी वापस ले लिए। इसी तरह तमिलनाडु ने भी आज इस तरह के 10 लाख केस वापस लिए। रैलियाँ, बाजार, ट्रेन, बस, हर जगह पहले की तरह भीड़। हालांकि देश में आज भी बच्चों के स्कूल और कॉलेज ज़्यादातर बंद हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है। दिल्ली में किसी को प्रदर्शन की इजाज़त इसलिए रोक ली जाती है क्योंकि कोरोना चल रहा है। ऐसी कई और मिसाल दी जा सकती है जहां कोरोना चल रहा है कहकर सरकार फ़ायदा उठा लेती है। और इन सब के बीच कोरोना ने एक नई चिंता दे दी है। क्या है ये नई चिंता? देश में कोरोना घट रहा है या बढ़ रहा है? क्या देश में अब भी कोरोना से लोग मर रहे हैं? सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 1,09,63,000 हो गए और इनमें से सिर्फ 1,39,542 एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो पिछले साल से लेकर अब तक के कुल आंकड़ों की बात हुई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई। नए मामलों का आंकड़ा है 13,193। इस दरमियान 10,896 लोग ठीक होकर घर लौट गए। अब इन दो आंकड़ों का मतलब समझिए।
पिछले साल के आखिर में हमने तब राहत की सांस ली थी जब कोरोना के नए मामले ठीक होने वालों के बराबर या उससे कम होने लगे थे। इसका मतलब था कि एक्टिव मामले स्थिर हो गए थे या घटने लगे थे, वो कोरोना पर काबू करने वाली स्थिति थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में ठीक होने वालों से 2300 नए मामले ज्यादा आए। बात का मतलब ये कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के अब ज्यादा मामले आने लगे हैं। अब नए सिरे से कोरोना फैलने पर सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5000 नए केस आए और नए मामलों में कोरोना फैलने का एक खास ट्रेंड दिख रहा है। मुंबई के अलावा दूरदराज के जिलों में तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे अमरावती, यवतमाल, अकोला। कई मामलों में पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है और चिंता इस बात की भी है कि शायद कोरोना वायरस के जिन दो खतरनाक वेरिएंट्स के भारत में पहुंचने की बात आई थी, उनका संक्रमण महाराष्ट्र में भी फैल रहा है। अब ये कोरोना के दो म्यूटेशन या वेरिएंट क्या हैं? एक का नाम है E484K, इसी को कोरोना का साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी कहते हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में मिला था। इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बहुत आसानी से इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, क्योंकि वायरस जिस स्पाइक प्रोटीन के जरिए हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, उसकी शेप बदलने में म्यूटेशन माहिर है। इसका मतलब कि साउथ अफ्रीकन कोरोना वेरिएंट का फैलाव तेजी से होता है। दूसरा है N440K म्यूटेशन। इस तरह के कोरोना वायरस को एस्केप म्यूटेशन भी कहते हैं, यानी ये अपना रूप बदलने में माहिर होता है। मानव शरीर में एंटीबॉडी के हमले पर आसानी से अपना रूप बदलकर बच जाता है। ये भी स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर आसानी से मानव शरीर में पहुंच जाता है, यानी ये भी तेजी से फैलता है। आंध्र प्रदेश समेत भारत के कई हिस्सों में सबसे पहले पिछले दिसंबर में इस वेरिएंट के फैलने की पुष्टि हुई थी। कोरोना की नई चुनौतियों और चिंताओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र में पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सभी जिला कलेक्टरों और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ रिव्यू बैठक की, जिसमें अमरावती, यवतमाल और अकोला जिलों को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने और बचाव के उपाय करने के आदेश दिए गए। ये भी आदेश कि पब्लिक में कोई बिना मास्क न घूमे, पब्लिक प्लेस को सैनिटाइज किया जाए, कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाए, प्रभावित जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया कि एक आदमी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आए 20 से 30 लोगों की कोरोना जांच होनी चाहिए। इन नए आदेशों के बाद कई जिलों में लॉकडाउन लगाने की खबरें भी आईं, मसलन यवतमाल में 10 दिन का। इसके अलावा 5वीं से 9वीं तक के स्कूल और कोचिंग भी बंद कर दिए गए। शादी में एक बार फिर से 50 लोगों से ज़्यादा के जुटने पर प्रतिबंध। हालांकि धार्मिक स्थान, होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन रात 9:30 के बाद नहीं। बाजारों को भी 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अमरावती में वीकेंड यानी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें बाजार भी बंद रहेंगे और जरूरी सेवाओं को ही चालू रखने की इजाज़त मिलेगी। मुंबई में फैलाव रोकने के लिए कुछ नए आदेश आए हैं। मुंबई में BMC यानी बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत किसी भी बिल्डिंग में 5 कोरोना केस आएंगे तो उसे सील कर दिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज के हाथ पर सील लगाई जाएगी और बिना मास्क रेल में यात्रा करने वालों को रोकने के लिए 300 मार्शल तैनात किए जाएंगे। ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। दिल्ली समेत देश के कुछ और हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि कोरोना की नई वेव शुरू हो गई, ऐसा एक्सपर्ट नहीं मानते। महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, लेकिन पूरे देश में अभी कोरोना काबू में है। आज के शो में इतना ही। जाने से पहले आपसे एक निवेदन, हमारी नई पेशकश ऑर्डिनरी शो को जरूर देखें। दुनिया को औरतों की नज़र से देखने की, उनकी बात करने की हमारी एक पहल। ऑर्डिनरी शो देखने के लिए आपको ऑर्डिनरी का यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ पर आपको और भी ताज़ा तरीन जानकारियाँ मिलेंगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभरात्रि। जसनूर ने और नारी को बताया कि वो बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रही, जहां वो अक्सर गुमसुम से रहती थी। उनके लिए हॉस्टल में लड़कों के साथ रहना बहुत ही मुश्किल था, लड़कियों के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन तब वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लड़के के शरीर के साथ पैदा होने की वजह से परिवार और सोसाइटी ने उन्हें लड़कों की तरह कपड़े पहनना और रहना सिखाया था। लेकिन जसनूर का मन अंदर से इसकी परमिशन नहीं देता था। वो खुद पर एक दबाव महसूस करती थी और मजबूरन उन्हें वो सब करना पड़ रहा था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें सजना सवरना और लड़कियों की फ्रॉक्स ट्राई करना अच्छा लगने लगा। वो जब भी छुट्टियों में अपने घर जाती, पूरा दिन घर पर अपनी बड़ी बहन की फ्रॉक पहनकर घूमती रहती। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।